आप जैसे मीडिया के चैनल हैं यही सच्चाई पुचा रहे हैं, बड़े चैनल तो बिके हुए हैं, छोटी मीडिया हुआ है। आप आए, आम पब्लिक की नब्ज को जानने का काम किया, तो भाई को आपको भी दिल की गहराई से धन्यवाद। देखो भाई, बीजेपी बह रुपया कौन जी आजकल सबसे बड़ा बह रुपया एक ही है, जिसको अपना नाम लो तो बह रुपया का भी अपना है ना अपमान होता है, उसी का नाम है बैरूपिया। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी नमस्कार जी। नमस्ते सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है? देखा लोगों के अंदर कितना भारी जोश और उत्साह है जी, और ये संकेत है कि कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है जी, और सारी 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है लोकसभा की और विधानसभा का उपचुनाव भी जीत। सर जो वादे किए हैं शॉर्ट में कर लेगा। अच्छा चलो चलो कोई ना, फिलहाल आप देख सकते हो भाई उदयवान जी जो हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं। बढ़िया जी, ठीक हो, कैसे हो भाई? सुई से हैं भाई, क्या कुछ कहना बताइए आज के लिए? भाई आज बनाना में बहुत बढ़िया विशाल जनसभा थी, और आने वाले 25 तारीख को जिस तरह का जनता में उत्साह और जोश दिख रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि माननीय जयप्रकाश जी भारी मतों से विजय होंगे। चलो आज इसी बात से अंदाजा लगा लो सुंदर जी, ये धनाना गांव चौटाला गया करता, इतने उनकी बड़ी हरियाणा स्तर की रैली में भी आदमी कौन पाओ जितने आ रहे हैं आज। चलो तो आप देख सकते हो भाई उदयवान जी जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं, और भारी संख्या में जो है भाई पब्लिक आई हुई है, ये आप देख सकते हो गाड़िया के ऊपर गाड़ी है, और बड़े बड़े चेहरे राजनेता जो है आज यहाँ मौजूद आए, और ये आप देखिए भारी जो है संख्या, ये देखिए आप। बढ़िया जी, ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। पट्टा पैर लिया कांग्रेस का? ना ना आप तो भाई देश आजाद भाजपा से कांग्रेस के तो ऐसे ले रहे थे आप। अच्छा। सारे आजाद है सारा गांव में बेरा हम तो पक्के कांग्रेसी हाँ जे चिंदी थी जेपी ने 2 लाख तो देता हूँ पक्की बात है जेजेपी छोड़ के शामिल हुए हम पक्के हैं बनावांगे विधायक एम एल ए सब सब मेरे तेरे बनावा रोंदा है ना ऐसे ही वोट की चोट से बीजेपी को रोंदने का काम करेगा एक एक वोट सबको जो 13 महीने भाई पूरे फौजियों ने जो है ना समर्थन कर दिया है कांग्रेस पार्टी का, और जयप्रकाश को बनाएंगे, मैं कैप्टन सुरेश तंवर पूरे पार्षद हूँ, और पूरा जो है ना जोर लगा करके जयप्रकाश भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, यही संकल्प है, यही फौज ने सारी ने समर्थन कर दिया, सब ने समर्थन कर दिया, 36 बिरादरी साथ है, और इस बार बीजेपी हाँ जी अग्निवीर अग्निवीर के बारे में ये बात कहना चाहते हैं कि अग्निवीर का जो है ना इन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का एक ही काम है, एक ही वजह है कि इसने अग्निवीर का जो है ना अपने मैनिफेस्टो में दिया है, और जो विसंगतियां हैं फौजियों की उसके बारे में हम 16 महीने से जो है ना पिछले 3 साल से लगातार लग रहे हैं, लेकिन 16 महीने से आंदोलनरत थे उस पर जो है ना इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है, बीजेपी ने एक बात मैनिफेस्टो में नहीं लिखी, और हम राजनाथ सिंह से मिले, जनरल वीके सिंह से मिले, प्रधानमंत्री से जो है मिलने की कोशिश की, किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की, और फौजियों को जो है तवज्जो नहीं दी, ना किसानों की ना ये फौजियों की, ये सरकार नहीं है, इसलिए जो है इसका खिलाफत कर रहे हैं, और इन फौजियों ने ही जिताया था इस मोदी को 14 में जो है ना हमने सारा रेवाड़ी में इनको समर्थन दिया, 2 बार इसकी सरकार बनाई, लेकिन जो इससे बातें रखी इसने ये 4 साल की करके फौज को कंडम कर दिया, देश के साथ भी जो है ना देश को हल्कापन पर लेके आ रहा है, मीडिया के हमने लड़ाई लड़ी हुई है। चलो आप जैसे मीडिया के चैनल हैं यही सच्चाई पुचा रहे हैं, बड़े चैनल तो बिके हुए हैं, छोटी मीडिया हुआ है, आप आए आम पब्लिक की नब्ज को जानने का काम किया, तो भाई को आपको भी दिल की गहराई से धन्यवाद। और मिताधर गाँव में भी लहर है, तो आप देख सकते हो फौजी का दर्द, तो फौजी ना भाई जो है कह दी है कि हम कांग्रेस के साथ में है, आज और भी जो है कॉमरेड जी हैं जो भाई हर जो है मुद्दे पर बोल रहा है, कॉमरेड जी नमस्कार, ठीक हो जी? भाई ठीक ठाक जी, आपके चैनल का स्वागत है। धन्यवाद जी। देखो राम राम जी राम राम। देखो भाई बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, किसान में, मजदूर में, महिलाओं में, और आपके नौजवानों में, बेरोजगारी, महंगाई,
बहुत ज्यादा बढ़ा दी बीजेपी ने और देश में तानाशाही स्थापित कर रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेट को फायदा कर रही है, इसलिए लोगों में गुस्सा है और ये लहर चल रही है मोदी के खिलाफ। हाँ, मोदी के खिलाफ लहर चल रही है, मोदी हराने का ज्यादा जोर दे रहे हैं लोग। तो केला का हारेगा के? बिल्कुल हारेगा, हम तो ये कह रहे हैं जिस तरह की जनता 23 तारीख नान भी लग रहा है, अब वो आ जाएगा फिर के बात है, वो तो अब सब आएंगे सर। लेकिन इनका मोदी झूठ बोलने का लोग नफरत करने लग गए, टेलीविजन बंद करते हैं मोदी का चेहरा आने के बाद। अच्छा। और इनका हराने का मन बना लिया। तो कांग्रेस ले आओगे? हाँ बिल्कुल, इंडिया गठबंधन आओगा, कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसमें, इंडिया गठबंधन का राज आओगा देश में, इसलिए तो हमारा प्रधानमंत्री बौखला रहा है, वो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये तो चुनाव आयोग नोटिस नहीं ले रहा। तो प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो आप? प्रधानमंत्री बैठ के एमपी बनाएंगे और हमारा इंडिया गठबंधन बिल्कुल योग्य प्रधानमंत्री बना होगा देश में। अच्छा। जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, मुख्यमंत्री तो भाई देखो कांग्रेस का तो उड़ा ही बनेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ चलो, राम राम जी। राम राम। हाँ ठीक है। बताइए आज कितनी पब्लिक आई होगी, कितना प्यार मिला होगा उड्डा साहब ने? उड्डा साहब ने प्यार नराय मिला तो देख ले कितनी भीड़ हो रही है, जो जनता का और मोदी का इलेक्शन है, जनता लड़ रही है मोदी के खिलाफ इलेक्शन है, ये तो उड्डा तो मीडिएटर हो गया ही वे, अरे ये हरियाणा इलेक्शन थोड़ा ही है, ये सेंटर का इलेक्शन है, एमपी बढ़िया बनावांगे। चलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आज कितनी भीड़ आई होगी और उड्डा साहब क्या कुछ कहे हैं? भाई भीड़ का तो एहसास है कि हमारे विपक्ष वाले जो हैं वो अपने सत्र से इतने नीचे गिर चुके हैं कि हमारा जो टाइम था उसको गलत टाइम बता के हमारे साथियों को वर्करों को बरगलाया गया, उसके बावजूद भी जैसे ही पता लग गया कि हमारा टाइम 3:30 बजे का था, सभी ने अपना काम छोड़ के जो जहाँ जिस गांव के अंदर गया हुआ था वहीं से वापस हो लिया और समय पे पहुँच के अपने नेताओं का सम्मान करने के लिए अपनी जगह पे आके और स्वागत किया, उनके दिए हुए आदेश पे कार्य करने के लिए दोबारा उसी गति से जिस गति से आए थे उसी गति से चल पड़े हैं। आप पीछे देखोगे तो हमारा कोई कार्यकर्ता रुका हुआ नहीं जी। और सब अपने अपने काम के ऊपर लगे हुए हैं जी। हम किसी भी भ्रमिक आश्वासन से भ्रमिक रास्ता दिखाने से हमारा कांग्रेस का गठबंधन का कोई भी कार्यकर्ता अपने पद से स्लिप नहीं कर सकता जी। अब तो ये स्लिप से बाहर करेंगे तो इस बीजेपी सरकार को करेंगे, उसी के बाद दम लेंगे। सर जिस प्रकार तक जो है ईब अड़क कह रहे थे कि मोदी तो झूठा है, जो वादे करे थे पूरे को नहीं करे, तो ईब जो कांग्रेस की तरफ तो जो वादे हो रहे हैं पक्के होंगे? ये होंगे पूरे? ऐसा है, ये कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ते हुए और देश के अंदर आई थी, जिस टाइम कांग्रेस ने संभाला था उस टाइम पे भारत के अंदर सुई भी विदेश से आती थी, कांग्रेस ने जो वादे नहीं किए थे क्योंकि हमारा देश नया आजाद हुआ था, उसके बावजूद सारी चीजें यहाँ पर पैदा की और उस पैदावार का असर ये है कि आज जिस चीज को भी देखते हैं उसी पे आके जो पब्लिक बता रही थी कि झूठा प्रधानमंत्री काट के हांडी चढ़ाने वाला है, हर चीज को वो अपना नाम देके हाथ लगा के ये कह देता ये मैंने बनवाया, ये शुक्र है कि उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ नहीं रखा और यह मैंने बनवाई, नहीं तो ये ऐसा मूर्ख आदमी है कुछ भी कर सकता है। राम जो है हमारे समाज के अंदर जब भी कोई काम करते हैं पहले राम का नाम लेते हैं, खेत के अंदर हल जोड़ते हैं पहले खूट के अंदर ले भाई राम का नाम कह के हल चलाया जाता है, हमारे समाज के अंदर कोई भी अच्छा काम किया जाता है लो भाई राम का नाम, आज ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए, अरे राम तो हर हिंदुस्तान के हर आदमी के दिल के अंदर बसा हुआ था जी। ये वो भूल गए कि राजीव गांधी जी ने जिस मंदिर को इन्होंने तुड़वाया मस्जिद बता के उसके अंदर
पूजा जो है राजीव गांधी जी ने शुरू करवाई थी, उस जगह के ऊपर अयोध्या के अंदर नए मंदिर के लिए राजीव गांधी जी ने अपने समय में कमेटी बना के और वहां पर नया भवन बनाने के लिए भूमि पूजन भी करवाया था। सरदार बूटा सिंह होते थे होम मिनिस्टर, वो जाके करवा के आए थे। पर वे सब चीजें जैसे इस भैरूपीय ने अडवाणी जी को सारे देश में दिखाया था। भैरूपिया कौन जी? आजकल सबसे बड़ा भैरूपिया एक ही है, जिसको अपना नाम ले तो भैरूपिया का भी अपना है ना अपमान होता है, उसी का नाम है भैरूपिया, जो हर कदम के ऊपर झूठ बोलता है, हर चीज को अपने ढंग से घुमा के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। पर ये 10 साल से भ्रमित होते होते आज इतने दाप गए कि अगर सचमुच में कोई भैरूपिया आ जाए तो ये उसको भी ये समझते हैं कि मोदी सरकार आएगी।